हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आप सबको सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं सबके लिए है। ये सुबह बहुत अच्छी हो दादी राधे। बस अब टाइम हो गया है सुबह का 9:15। हमारा नहाना धोना साफ सफाई सब हो चुकी है। देखिए दोस्तों, मेरी ये प्याज पिंक होने तक भून रही है, तो अभी हम इसको पिंक होने तक यानी कि ब्राउन होने तक हल्का सा भूनेंगे। और आज मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों कुकर में बना रही हूँ। वैसे मैंने इससे पहले भी बनाई है, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर झटपट तैयार करना है तो 5 मिनट में ये हमारे नमकीन जवे तैयार हो जाते हैं। और ये थोड़े हार्ड वाले जवे भी थे, एक होते ना सॉफ्ट वाले वाइट वाले, ये ब्राउन वाले थे। पता नहीं क्यों मुझे ये हार्ड लगते हैं, तो मैं इसको दूसरे जगह बना रही हूँ। और देखिए अब मैंने हल्दी और मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने मिर्च और हल्दी डाल दी। ये लाइट सा गरम मसाला डाला है, जितना अपना आपको स्वाद लगता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत तेज होता है, तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल लाइट सा घेरती हूँ, तो आप भी अपने स्वाद अनुसार घेर सकते हैं। और ये मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, इसके बाद हम इसको भूनेंगे। और देखिए ये बच्चे कैमरे के आगे क्या करते रहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जो मिर्च मसाले डाले ना तो उस वो जले ना इसलिए। और अब ये हमारे लगभग भुन गए, अब हम इसमें ये जबे डालेंगे। देखिए आप, ये ब्राउन कलर के, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो अगर मेरे को नाश्ते में थोड़ा जल्दी होती है यानी कि देर हो रही है, तो मैं इसको 2 सीटी में बना देती हूँ। अभी आप देखिए मैं इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी, 2 सीटी के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और ये जल्दी से पक नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ आज। वैसे मैं 2 सीटी बना रही हूँ, इससे पहले भी मैंने बनाया है, तो इस समय मैंने ट्राई कर और सभी को घर में बहुत पसंद आया। मिनट में बन जाते हैं, 2 सीटी लगानी पड़ती है कुकर में और बन जाते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है ना, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब जैसे ये मैं इसमें पानी डालती हूँ दोस्तों, तो ये 2 कप पानी है, मैं पहले 1 कप देती हूँ। और 1 कप और डाल दूँगी, अब देखते हैं अगर पानी की ज़रूरत है तो हम और डालेंगे। पानी हमारा इतना काफ़ी है, अब हम पानी और नहीं डालेंगे, अब सीटी लगा देंगे। मैंने नमक नहीं डाला, तो नमक मैं अब डाल लूँगी, भूल गई मैं नमक। नमक मत दिखा, सिर्फ डब्बल। देखिए अब मैं जो है ना नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार, जितना आप लोग खाते हैं लाइट में उतना। तो हमारे यहाँ इतना काम नहीं बन गया, ये छोटी वाली स्पून है, बड़ी स्पून नहीं है, छोटी है, तो मैं इसको जो है ना कुकर में ढक्कन लगा दूँगी और पकने तक का हम इंतज़ार करेंगे। ये अब मैं इस देखिए अब मैं इसको बंद कर दूँ, 2 सीटी आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे, ठीक है दोस्तों। चाय, देखिए चाय में मैंने पत्ती तो डाल दी है, अब मैं डालूंगी इसमें चीनी और इसके बाद डालूंगी अदरक। सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने 1 कप चाय बनाई थी ना, तो इसमें मैंने छोड़ दिया, अब
फोकस करने वाला काम है। चलिए दोस्तों अब इसको कद्दूकस करते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं चाय बताइए हमें कमेंट करके। मैं अदरक को कद्दूकस करती हूँ तो इससे बहुत टेस्टी चाय होती है। गाइस अब हम बर्तन मांज रहे हैं। इधर नाश्ता तैयार हो गया, इधर मैं जल्दी जल्दी बर्तन मांज दूंगी, फिर सभी को मैं नाश्ता करवाऊंगी। तो देखिए ये हमारा बेटा बना रहा है पीछे से वीडियो, और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हमारी वीडियो को थोड़ा पसंद करिए आप, प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों ये प्याज हरे मिर्च डाल दी हमने, मैं बाद में डाल दी। हम बनाने जा रहे हैं मिर्च की जगह, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों मेरा कुकर में दो सीटियाँ लग गई थी, अब इसकी स्टीम निकल चुकी है, तो मैं इसको उतार के और देखती हूँ आपके सामने इसको खोल। देखते हैं हम दोस्तों कैसी हमारे जब बने हैं कुकर में। ये मेरे दूसरी दफ़े बनाई यानी कि सेकेंड वन। तो दोस्तों थोड़ा उसमें हार्ड रह जाते हैं कढ़ाई में, और आप देखिए ये खिले खिले बने। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों देखिए अभी मैं प्लेट में भी लगा के दिखाती हूँ जोड़ दी बात में। देखिए दोस्तों मेरी ना चाय भी पी लीजिए, आ जाइए और जवे भी खा लीजिए। लीजिए दोस्तों खा लीजिए, और आपको जवे कैसे लगे प्लीज़ कमेंट शेयर कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और मुझे बताइए कि मेरे कुकर के जवे आपको पसंद आए। देखिए गाइस आज हम सिंबल बना रहे हैं, हम इसको सिंबल ढोडे बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको हमें बताइए। ये प्याज टमाटर और सारे मसाले मेरे भुन चुके हैं, और इसके बाद मैं अभी ये सब्जी डालूँगी। तो अभी देखिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, जीरा प्याज लहसुन अदरक वगैरह को अच्छे से बारीक बारीक काट के फिर उसको ब्राउन होने तक भूनते हैं, फिर टमाटर मसाले डाल के। अब ये देखिए मैंने ये डाल दिया है इसमें सिंबल, इसमें हम पानी ऐड नहीं करते, बस आप देखिए मैं इसको सिर्फ ऐसे ही मसाले में भूनकर और इसको ढक दूंगी प्लेट से। उसके बाद जैसे ये बन जाएगी कम से कम 20-25 मिनट, कम से कम आधा घंटा इसको लग जाता है। हम इसको बिल्कुल सिम में पकाते हैं, ये धीरे धीरे मसालों में एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, सूखे सूखे बनते हैं बिल्कुल। देखिए गाइस देखिए मेरी पूरी किचन खाली है, मैं आज सफाई कर रही हूँ, सफाई लगाए पंखा तो सेट कर दिया, ये सारा सेट हो गया, ये रह गया कुछ नहीं सफाई लगाया। देखिए अंदर का हो गया सर, ये सारा भी खाई और बाहर भी देखिए वो सारा रखा। अभी ये सब मुझे सेट करना है, और दिन भी छिप चुका है, लगभग रात हो चुकी है। देखिए 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 रात हो चुकी है, रात हो चुकी है, मुझे खाना भी बनाना है और ये पूरी सेटिंग भी करनी है किचन की। देखते कितना टाइम लगता है, ठीक है गाइस पूरा क्लीन करके फिर मिलते हैं।